अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होंगे। आज मैं आपको ये ब्लोची फ्रॉक मैंने तैयार की है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। ये 2.5 मीटर कपड़ा है बनियर्स का, जिसकी मैंने लेंथ जो है वो बताया है कि 28 इंच इसकी मैंने लेंथ रखनी है। और ये मैंने गला जो है वो मार्केट से लिया था इसी तरह से। ये जो छोटी पट्टियाँ साइडों पे हैं, ये पॉकेट और ये गला, ये छोटी पट्टियाँ जो मैं गले बाजू पर लगाऊंगी, ये बड़ी चौड़ी वाली पट्टियाँ जो है ये मैं मैंने बांचे पर लगानी है। और इसके नीचे दामन पे मैंने ये बोनलेस लगानी है। और ये मैंने गले को यहाँ से टसल्स मारने के लिए ये लिए हैं। और इसको कवर करने के लिए मैंने ये डोरी ली है, लेकिन मैंने कहा था कि इसको बोनलेस को कवर करने के लिए ये डोरी ली थी, लेकिन लगाने लगी हूँ तो ये जहाँ पे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने यही जो है डोरी कलियों पे लगा दी, पॉकेट के बाहर बाहर लगा दी, वो ज़्यादा अच्छी लगी। ये मैंने इसकी लंबाई जो है 28 इंच तैयार रखनी थी, लेकिन मैंने 30 इंच लिया, 2 इंच सिलाई का मार्जिन। और ये 19 इंच इसका घेरा है, खुली खुली है। और ऊपर से मैंने जो इसकी पेटी ली है वो 11 इंच की ली है, 11 इंच पे चुनर डालूंगी। ये मैंने 2 पॉइंट उधर से और 2 पॉइंट इधर से, दोनों तरफ से 2 पॉइंट बढ़ा लिया है। और यहाँ तीरा मुझे इसका 10 इंच, 11 इंच तैयार चाहिए, लेकिन इसका तीरा छोटा रखते हैं 1 इंच, ये मैं 10 इंच रखूँगी। और यहाँ से सीने से मुझे इसकी जो है शर्ट चाहिए 15.5 इंच तैयार। और 6.5 इंच इसका कंधा चाहिए, जो मैंने कटिंग जो 6.5 से ही करूँगी। ये तीरा देखें 11 इंच है और यहाँ से 15 15.5 इंच है, ये 6.5 है। और यहाँ से कमर से मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए। बच्चे का बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखते, बस 1 इंच का ही फ़र्क रखते हैं। ऊपर से अगर 15.5 तो कमर इसकी 14.5 हो गई, ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी, ये 0.5 इंच मुझे ऊपर से 1 इंच मैंने कटिंग कर देनी है। और ये जो है ये चुनर डाल के इसके बराबर, जहाँ तक मुझे कमर की फिटिंग आएगी वहाँ तक बराबर कर लूँगी। ये मैंने इस्त्री के साथ इसकी जो साइडें थी सारी फोल्ड कर ली हैं, ये पॉकेट की भी, गले की भी, और ये पट्टियाँ जो हैं इनकी भी। ये चौड़ी पट्टी मैंने कहा था पंच पे लगाऊंगी, लेकिन नहीं, ये बाज़ुओं पे सेट आई है, ये मैंने बाज़ुओं पे लगानी है। और ये छोटी वाली जो है ये मैंने पंचों पे लगानी है। ये देखें मैंने उल्टी साइड पे रखते हुए ये सारा इसको सेंटर करते हुए मैं ये सिलाई लगा के सीधा कर लूँगी। ये देखें गला लगा लिया है मैंने, ये बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इसके। और फिर बाद में ये वाली सिलाई लगानी है। उसके बाद मैंने इसके जो ब्लैक डोरी ली थी ये वाली, इसके चारों तरफ वो लगाऊंगी। ये मैंने डोरी लगा ली है। और ये जो है पॉकेट, इसकी जो साइडें हैं ये मैं पहले फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे वो वाली पॉकेट बनानी है जिसमें बच्चों के यूँ हाथ, यानी कि वो कुछ चीज़ डाल सकें। ऊपर से बंद नहीं करनी, रास्ता रखना है इसका। ये इसलिए मैं इसको पहले फोल्ड कर रही हूँ ऊपर वाला हिस्सा।
यहाँ से मैंने 11 इंच की लेंथ रखी है, 11 इंच पे मैंने पॉकेट लगाने शुरू किए। ये देखें, अगर हमें यूं तिकोन में गला मिलता तो हम तिकोन से ही दूसरी पॉकेट शुरू करते, लेकिन नहीं मिला हमें बाजार से तिकोन वाला, तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा नीचा 11 इंच से मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये सेंटर करते हुए मैंने इसको पिन अप कर लिया है और यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये पट्टी मैंने बैक साइड पर रखते हुए फ्रंट पे मोड़ ली थी और ये इस तरह मैंने दोनों बाजुओं पे लगा ली है। और ये लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर एक कलर का कपड़ा है तो उसकी फ्रंट की कटिंग जो है ना आमने सामने होनी चाहिए। अगर आप एक साइड पे करेंगे तो दोनों बाजू एक ही साइड के बन जाएंगे। ये जो मेरी साइडों की कलियाँ हैं वो हैं कंधे के पास से मैंने जो कटिंग की थी छोटी कलियाँ, और इसके बिल्कुल सामने रखते हुए ये देखें मैंने सिलाई कर ली है, और बिल्कुल इसके सामने रखते हुए मैं दूसरा जो है गली को सिलाई कर लूँगी। ये फिटिंग छोड़ी है मैंने, ये ऊपर वाला हिस्सा है, और कंधे की कटिंग बिल्कुल आमने सामने रखते हुए ये कमर की मैं सिलाई कर लूँगी फिटिंग की। ये मैंने चुनर डाल ली है,
ये जो नीचे मेरे घेरी वाला जो कपड़ा था ना, ये उसकी चुनौत डाली है, और मुझे ये यहाँ से मुझे 5.5 इंच चाहिए, 5.5 इंच तैयार है। यहाँ से मैं इसको सिलाई कर लूँगी। स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करते जाएँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसी तरह से बिल्कुल उसके सामने रखते हुए मैं दूसरी जो कली है वो तैयार कर लूँगी, बिल्कुल उसके आमने सामने। अगर एक का चुनट हमारी दूसरी तरफ हो, एक की एक तरफ हो, तो इस तरह से फ्रॉक की लुक अच्छी नहीं आएगी। ये भी उसी तरह 5.5 इंच तैयार कर लूँगी। अब ये जो कंधे वाली साइड है वो मेरी जो चुनर डाली है उसके साथ अटैच कर लूँगी। ये हमारा फिटिंग वाला हिस्सा है। इसी तरह से दूसरा पार्ट नाज़रीन, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कहीं चुनट नहीं आएगी, कहीं ये नहीं होगा कि हमारा कपड़ा इकट्ठा हो गया, कुछ नहीं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत नीट इसकी जो है ना वो सिलाई आएगी। ये बोनलेस है जो ये मैंने चुनर डाली थी, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे लगाऊंगी, और इसके ऊपर जो वो ब्लैक डोरी लगाऊंगी। बिल्कुल इसको सेट करके फिर लगाएं, अच्छी तरह से लग जाएगी। अब ये देखिए मेरी डोरी भी लग गई है और बोनलेस भी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये देखें, ये मेरा फ्रंट की कटिंग है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और नीचे तक ये सिलाई चली जाएगी। फिर इसके ऊपर ये मैं ब्लैक डोरी लगाऊँगी, और इसी तरह से बाकी दूसरी कली भी तैयार कर लेनी है मैंने। बैक पे कुछ नहीं लगाना, बैक सिंपल है। तो बाजू पे, बाजू मैंने पहले तैयार किए हुए दिखाए थे, ये देखिए मैंने डोरी लगा ली है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बहुत खूबसूरत तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो दूसरा सेंटर वाला पार्ट था हमारा तीरे वाला हिस्सा, जो मैंने कहा था कि मैंने तीरा छोटा रखा है वो वाला लगेगा, तना दरमियान वाला, इसके साथ अटैच कर लूँगी। फिर बाद में तीरा लगा लूँगी, बाद में ये ऊपर वाली सिलाई। और ये बाजू बंद करके बस कंधे लगा लेने हैं, और नीचे मैंने एंड में इसके यू फोल्ड करते हुए बोनलेस लगाऊंगी इस तरह से। ये बोनलेस लगा लेंगे नाज़रीन। ये हमारी फ्रॉक जो है तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है।
आपने अगर कहीं पार्टी वगैरह पर जाना हो तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है लीलन है, ये मिड सीज़न में भी पहनी जा सकती है और बिल्कुल सर्दियों में भी ये ठीक रहती है। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। आप अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत 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 खुशी होती है, हमें एनर्जी मिलती है और दिल चाहता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करूँ। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।